कांता भाव या गोपी भाव, और सखी सहचरी भाव की तुलना चल रही है। गोपी भाव को कांता भाव भी कह देते हैं, क्योंकि सभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रमण हुआ था। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है रास पंचाध्यायी। जो भी गोपियां भगवान के रास लीला में आई, पहला प्रमाण तो यही है कि वे भगवान को, प्रभु को निकटतम रूप में पाना चाहती थी। और इसीलिए गर्ग संहिता में श्रुति रूपा गोपियां, उनका यूथ अलग है। श्रुति रूपा गोपियां, ये श्रुतियां थीं और वेदों की श्रुतियां होने से सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो वेदस्तुति एक पाठ है। श्रीमद्भागवत में दशम स्कंद में अध्याय 87 ये वेदस्तुति का पाठ है। इसमें कहा गया है कि भगवान जब प्रलय में सो जाते हैं उस समय श्रुतियां ही उनको जगाती हैं। क्या आप उठिए और इस माया को पराजित करके ये जही माने खत्म करके जही जही अजाम अजित दोष गृहीत गुणाम, ये पहला श्लोक है दशम स्कंद के 87वें अध्याय में। जही मार डालिए, अजाम इस माया को जिसमें दोषों के लिए गुणों को धारण कर रखा है, हम लोग गुणों के कारण माया में बंधे हुए हैं। स्वयं भगवान ने कहा है
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, ये माया गुणमयी है, दैवी हेषा गुणमयी, ये किसी मनुष्य की नहीं है। दैव यहां से, दैव से मतलब ईश्वर, ईश्वरीय है, ईश्वर की शक्ति है। इसलिए ये मेरी है, मम माया यानी मैं ही दैव हूं और ये मेरी ही है। इसलिए इसको किसी साधन से मनुष्य नहीं जी सकता, क्योंकि दैवी है और मेरी है। दैव माने कोई अलग से दैव नहीं आया, भगवान ने उसको स्पष्ट कर दिया कि सबका देव मैं ही हूं। दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया मेरी है। दुरत्यय माने इसका पार मनुष्य साधन से नहीं पा सकता। दुरत्यय इसका पार पाना कठिन है, असंभव भी नहीं है। असंभव तब होता जब किसी तरह से इसको मनुष्य पार नहीं पा सकता, कठिन है। कठिन इसलिए है कि मुझे छोड़ करके अन्य साधन को, योग हो, ज्ञान हो, जब मनुष्य करता है तो कठिन है। भगवान ने कहा माम एव, एव निश्चय मेरे ही शरण में जब आ जाता है तो एताम मायाम तरन्ति, जो माया दुरत्यय है, जिसका पार पाना कठिन है, उसको ये पार हो जाता है। मायाम एताम तरन्ति ते, इसीलिए वेद स्तुति में ये बात कहेगा कि जही जही, इसको आप ही खत्म कर सकते हैं। अजाम इस माया को, दोष दिभ्री गृहीत गुणाम, ये दोषों के लिए इसने गुणों को धारण कर रखा है। आप कैसे खत्म करेंगे? तो उसके लिए इस वेद स्तुति में
श्लोक संख्या 21 में कहा गया, दुर्भगमात्म तत्व निगमाय तवात्त तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। ये आत्म तत्व दुर्भगम माने इसका जानना कठिन है। ऐसे उस कठिन आत्म तत्व को जानने के लिए आप अवतार लेते हैं, तब आत्मतनो हूं। तनु मने शरीर धारण करते हैं और लीला करते हैं। चरित मने ऐसा आचरण करते हैं जिसको जीव समझ ले, सरल है। वही है महामृत। इतनी लीलाएं करते हैं उस चरितामृत अवधि में, लीलामृत समुद्र में, परिवर्त आलोडन विलोडन, उनको गाना, उनको सोचना, उसमें परिश्रमणा, उसमें जो लीला में परिश्रमणा कहते हैं, परिश्रम नहीं, यहां श्रमणा कहते हैं। जो लोग उस लीला गान में ही जीवन बिता देते हैं, ऐसे साधु, ऐसे सन्यासी श्रमणा कहते हैं सन्यासियों को। जो भगवान की लीलाओं में आस्था रख करके उनको गाना ही एकमात्र जीवन है और जीवन भर उसी को गाते हैं, उसी को सबसे ऊंचा लक्ष्य मान लेते हैं, इतना ऊंचा लक्ष्य मान लेते हैं। न परिलशन्ति केचित् अपवर्गम् अपीश्वरते, मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। अपवर्ग माने मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। न धर्म चाहते हैं, न अर्थ चाहते हैं, न काम चाहते हैं। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है, जिससे संसार छूट जाता है। वो मोक्ष भी नहीं चाहते। केचित ऐसे बहुत कम संत होते हैं। वे कौन हैं? चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। आपके चरण कमल के हंस हैं, कमल जहां रहता है वहां हंस रहते हैं। जैसे मानसरोवर में आप भी, वहां बहुत हंस हैं। हमारे यहां एक
संत थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया है। बहुत पहले स्वामी बुद्ध देव हंसों के देखने के लिए वो मानसरोवर गए। मानसरोवर जाना बड़ा कठिन है, दुर्गम है, तो वो जो नेपाल से हवाई जहाज उड़ता है भारतवर्ष को आता है, उसके पायलट से कह दो तो मानसरोवर के ऊपर से उड़ान निकाल देता है। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा घुमा देना, तो घुमा करके निकाला उसने ठीक मानसरोवर के ऊपर से, तो तमाम उड़ते भय हंस दिखाई पड़े। तो वैसे ही ये जो संत हैं, ये चरण कमल रूपी मान सरोवर के हंस बोले जाते हैं। सूरदास जी के का एक सुंदर पद है, चल सखी वाई सरोवर जाए हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है। जिस सरोवर में कभी माया की रात नहीं होती है, जिस सरोवर में कभी भी गंदगी नहीं रहती है, उस सरोवर का वर्णन किया है उन्होंने। और उस सरोवर में बगुले नहीं रहते हैं, इसलिए वे भक्त लोग जो केवल भगवान के चरण कमल रूपी सरोवर में ही जीवन काटते हैं, सारा जीवन उन्हीं को गाते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, सारा जीवन वो अनिर्मण चित्त से, भगवान ने गीता में जो कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसमें अनिर्मण चित्त से साधन करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी मन वहां से नहीं हटना चाहिए। परिवर्त परिश्रमणा उन्हीं हंसों को कहा गया है। वे मोक्ष आदि भी नहीं चाहते हैं, इसी तरह से माया पार हो जाता है प्राणी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, दिन रात भगवान के ही नाम, दिन रात भगवान का ही गुण, दिन रात भगवान के ही लीला, मन मना भव मद भक्तो मद बाजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा मेरे में ही मन लगा, मेरे ही दिन रात सेवा कर, मद भक्तो मद याजी मेरा ही यजन कर, मेरा ही नमन कर प्रणाम कर, और निश्चय मुझे पा जाएगा। सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, तो इसमें वेद स्तुति में कांत भाव की चर्चा की गई है। कुछ लोग कहते हैं
जो भगवान के भक्त नहीं हैं, आलोचक हैं कि बौद्ध धर्म के महीयान हीनयान दो संप्रदायों में और जो हीनयान था उसमें भोग का प्रवेश हुआ और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा था हमारे संप्रदाय में यदि स्त्री का प्रवेश नहीं हुआ तो कभी इसका पतन नहीं होगा। किंतु स्त्रियों का प्रवेश हुआ, बौद्ध लोग भोगी बन गए और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बिहार में, जिसको बिहार प्रांत नाम इसीलिए कहा गया, वहां बौद्धों के बहुत बिहार बने हुए थे। बिहार माने बौद्धों के रहने के मठ। उसी से सहजिया संप्रदाय विचला जो भोग प्रधान था। लोगों ने, आलोचकों ने कहा, कुछ लोगों ने ये रास सहजिया संप्रदाय का प्रभाव है, किंतु वे लोग नास्तिक थे, भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकते थे। ये बात भागवत में कही गई है, तीसरे स्कंद में उद्धव जी ने जब भगवान की स्तुति किया है तो उन्होंने कहा है तीसरे स्कंद में अध्याय चार में 3, 4, 16 उद्धव जी ने भगवान की स्तुति किया है, कर्माणि अनिहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदाम इह। बड़े बड़े विदाम जानकार विज्ञाता ज्ञानियों का भी की बुद्धि खिद्यति खिन्न हो जाती है, समझ नहीं पाते। आपको समझ नहीं पाते क्यों? कर्माणि अनिहस्य, एक तरफ तो वेद कहता है कि भगवान अनिह है, भगवान ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ अनेक कर्म करते हैं अवतार लेकर के, तो ये उल्टी बातें हैं।
उपनिषदों में भगवान को निराकार भी कहा गया, भगवान को निर्गुण भी कहा गया। दूसरी तरफ भगवान आकारवान है ये भी कहा गया, और आकारवान होकर के अनेक कर्म करता है ये भी कहा गया। ये दोनों उल्टी बातें हैं। एक तरफ तो अकर्ता है, दूसरी तरफ कर्ता है। कर्माणि अनिहस्य, एक तरफ भगवान अजन्मा है, दूसरी तरफ भवो अभवस्यते, अभव माने अजन्मा का जन्म होता है, नंदोत्सव होता है, बधाई होती है, ये सब विपरीत बातें हैं। एक तरफ भगवान को कालात्मा कहा गया, काल की भी जो आत्मा है, महाकाल, वो भी भगवान से भयभीत रहता है। दूसरी तरफ वो जरासंध के भय से भागते हैं, और ऐसा भागते हैं उनका नाम पड़ गया रणछोड़ नाथ, लड़ाई के मैदान छोड़ करके भागे। भाग करके पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर आग लगा दिया तो पहाड़ से कूद पड़े, समुद्र में गए। ऐसा भागना, ऐसी लंबी छलांग आज तक किसी ने नहीं लगाई। पर्वत के ऊपर से समुद्र में गिरे और वहां जाकर के द्वारकापुरी बसाई। अब पुरी ऐसी बसाई किले की तरह कि वहां कोई राजा आ न सके। शिषपाल, जरासंध, ये सब विरोधी राजा थे। तो दुर्गाश्रय, किले का आश्रय लिया, अरिमने शत्रु के भय से भागे। ये कौन है? बोले कालात्मा। काल की भी जो आत्मा है वो भगवान भाग रहा है। ये बात सुनकर के बड़े बड़े विद्वान भी संशय में पड़ जाते हैं। भय ब्रजलीला में भी बहुत है। ताम आत्यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरु ही आप ससार भीतवत। देखा भगवान ने, मैया डंडा लेकर आ रही है। ताम आत्यष्टिम, यष्टि कहते हैं यशोदा के हाथ में ताम स्त्रीलिंग है। आत्यष्टिम, डंडा हाथ में उठाया, प्रसमीक्ष उसको देख करके सत्वरह जल्दी से उतर करके भागे। ऊखल पर चढ़े थे,
ततो वरुह्य उससे उतर करके दशम स्कंद नौवां अध्याय नौवां श्लोक भीतवत भीतवत वतु प्रत्यय है। हम हैं नहीं वैसा नाटक कर रहे हैं, डरपोक की तरह ताम आत्यष्टिम प्रथमिक से वक्ष सत्वरस ततो वरुया पुसार भीतवत। और गोप्यन्य धावन नयमापयोपगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। गोपी उनके पीछे पीछे दौड़ी, यशोदा अन्न धावत मने पीछे पीछे दौड़ी पकड़ने के लिए। बोले किसको पकड़ने जा रही हो? जिसको कि योगियों का मन लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद जब शुद्ध हो गया तो उन योगियों का मन भी पकड़ नहीं पाता। न यमाप गो योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसे ईरितम मनः। तपस्या से ईरित मन भी जिसको पकड़ नहीं सकता। उसको पकड़ने के लिए गोपी जा रही है। यहां गोपी से मतलब यशोदा। बोले कैसे पता? बोले इसी के नीचे श्लोक है, अनवंच माना जननी बृहत चलत क्षोणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा। अनवंच माना माने पीछे पीछे दौड़ रही है, जननी माने माता। कृष्ण तो बालक हैं, बालक जल्दी से दौड़ जाता है, माता उतनी तेज नहीं दौड़ सकती क्योंकि उसके नितंब मोटे मोटे हैं। चलत श्रोणी, श्रोणी नितंब भार बृहत बहुत बड़ा है, उसके बोझ से आक्रांत गति धीमी गति हो गई है। सुमध्यमा, लेकिन फिर भी यशोदा बोली तो कितना भागेगा, पकड़ के दिखाऊंगी। दौड़ी, जवेन विंस्रंसित केश बंधनत, ऐसे तेज दौड़ी केश बंधन जूड़ा खुल गया। अच्युत प्रसूनानुगति ही फूल गिरने लग गए और परामृशत पकड़ लिया। यशोदा ने देखा कि कृष्ण बालक डर गया है तो लठिया फेंक दिया। वात्सल्य भाव आ गया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। बोले क्यों फेंक दिया? वात्सल्य भाव आया, डर के कारण नहीं। ये शिकिल तम बंधुम दामना अतद वीर्य को विदा। और यशोदा भगवान के वीर्य पराक्रम को नहीं जानती है। उस नित्य मुक्त भगवान को बांधना चाहती है। अतद वीर्य को विदा, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं देखो इस गोपी को अहिरनी को अतद वीर्य को विदा, जिसको कोई बांध नहीं पाता है उसको बांधने जा रही है।
तो इसलिए यहां इस श्लोक में कहा गया, उद्धव जी ने कहा कालात्मना, काल की आत्मा है फिर वो डर के भाग रहा है, ये कोई कैसे समझ सकता है। फिर आगे बोले और देखो, स्वात्मन रते हैं, इसको आत्मा राम कहा गया है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है। स्वात्मन रति, ये कैसा आत्मा राम है। यत प्रमदायुताश्रय, आयुत कहते हैं 10,000, 16,000 जिसने विवाह किया उसको आत्माराम कहा गया। इन सब चीजों को देख करके देवताओं की भी बुद्धि खिन्न हो जाती है। ब्रह्मा जी की बुद्धि खिन्न हो गई थी ग्वाल लीला देख करके कि कैसा भुक्खड़ भगवान है, जो ग्वालों के मुंह से कौर निकाल निकाल खा रहा है। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, जूठो ले सबन के मुख से अपने मुख में नावत। हा हा करके मांग लेत है कहत मोही अति भावत। इन लीलाओं को, ये सब विपरीत लीलाएं हैं। एक तरफ अजन्मा, दूसरी तरफ नंद के आनंद भय, जय जय कन्हैया लाल की लोग गाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, चौथे अध्याय में श्री गीता जी में 6वां श्लोक है शायद। आज मैं अजन्मा होकर के भी, अव्यात्मा होकर के भी मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, अमृतात्मा हूं, जो वेदों में कहा गया वो मैं ही हूं। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, अनंत प्राणियों के ईश्वर मैं ही हूं, लेकिन मैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया, मैं जन्म लेता हूं अपनी निजी प्रकृति योग माया का आश्रय लेकर के। तो ये जो कांता भाव है इसमें ये हम बता रहे थे कि श्रुतियों ने भी इसको माना है, इसका प्रमाण है वेद स्तुति। वेद स्तुति में श्लोक आता है, वेद भगवान कहते हैं, दस 87 और
23 अध्याय 27 का 23 श्रुतियां स्तुति करती हैं। निवृत मनुन मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनिया उपासते तदरयोपयो स्मरणाप्त स्त्री उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समृशोंघ्री सरोज सुधा। स्तुति कर रही हैं स्तुतियां। बड़े बड़े योगी लोग एक एक लाख वर्ष की समाधि लगाते हैं। जैसे 1 लाख वर्ष की समाधि शंकर जी ने लगाई। बीते संबत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमरन लागे जानी सती जगत पति जागे। 87,000 यानी लगभग 1 लाख वर्ष। तो लाखों वर्ष की समाधि लोग लगा लेते हैं। उस समाधि में श्वास नहीं लेते हैं। निवृत्त मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो मरुत मने हवा मन और इंद्रियां इस समाधि में अपना काम करना बंद कर देती हैं। उसको कहते हैं समाधि। निवृत्त मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो जिन्होंने वायु को जीत लिया। मरुत मने वायु मन को जीत लिया। मन भी उनका कुछ काम नहीं करता। अक्ष इंद्रियां तो बहुत नीचे हैं। वो सब भी निश्चेष्ट हैं। ऐसा जो दृढ़ योग है उसमें लग करके जो मिनि लोग उपासना करते हैं वही स्थान अरयह उनके शत्रुओं को भी मिलता है जिनका भगवान ने वध किया। रावण ने जब सीता हरण किया है तो वहां क्यों किया? आत्मकल्याण के लिए। खरदूषण मोषण भंग मोसम भग बलवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता। रावण सोच रहा है खर और दूषण ये हमारे समान बलवान थे। मोसम बलवंता जितना बल रावण में था उतना ही खर में और दूषण में थे। बिना भगवान के कौन मार सकता है इनको? खर दूषण मोसम बलवंता तिनई को मारे बिन भगवंता। ये अरण्य कांड में है। क्या 23? चलो देखें।
ठीक है, 23वां है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हटाने के लिए अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाए बैर हट कराऊं, तो मैं बैर करूंगा और प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। उनके बाणों से प्राण छोड़ करके भवसागर पार हो जाऊंगा। बोले बैर क्यों करोगे? बोले होइए भजन न तामस देहा, तमोगुण मनुष्य को रोकता है भगवान की ओर जाने नहीं देता। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये उसने विचार किया। बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, उत्तरकांड में आता है। बैर भाव से उन्होंने उपासना किया भगवान की, इसीलिए जो गति योगियों को लाखों वर्ष तक समाधि लगाने के बाद मिलती है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वही गति निवृत्त मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयन मनय मुनय उपासते तद अर्योपयुः स्मरणात्। अरि मने शत्रुओं ने भी वही गति प्राप्त किया और वही गति स्त्रियां जो कांत भाव से प्रभु को मानती थीं, उर्गेंद्र भोग भुज दंड विषक्त थियो, कांत भाव की आसक्ति क्या है? विशाल भिजाएं, सर्प में बड़ी शक्ति होती है, वो लिपट जाएगा तो तुम्हारे हड्डी को तोड़ देगा, कस देगा अलबेटा लगा करके। उर्गेंद्र भोग भुजदंड, ऐसी विशाल भुजाएं जिनकी हैं, उनमें जिनकी बुद्धि आसक्त हो गई है, वे भी वही गति प्राप्त करती हैं। वयमपि ते समाह, श्रुतियां बोली हम भी वही गति प्राप्त करती हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं, किसी भाव से भगवान को याद करो। रास पंचाध्यायी में यही कहा गया, 15वां श्लोक है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदत्तो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ऐक्य से, सौहृद से, किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करो, तन्मयताम को प्राप्त हो जाते हैं वे लोग, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। ऐसा नहीं कि काम भाव से या क्रोध भाव से तुम्हारा भाव किसी भाव से उनका स्मरण करो। उत्तरकांड में आता है, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर,
उमा राम मृद चित चित करुणा कर। हे उमा, भगवान इतने करुणा कर हैं कि बैर भाव से भी सुमिरन करने वाले को वही गति देते हैं जो योगियों को देते हैं। प्रहलाद जी ने भी कहा है सातवें स्कंद में पहले अध्याय में, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्याद्यो नृपः। प्रहलाद जी ने प्रश्न किया कि भगवान को तो समदर्शी कहा गया है, फिर भगवान ने देवताओं को पक्ष लेकर के असुरों का वध क्यों करते हैं? ये नारद जी से प्रश्न किया। स्कंद सात अध्याय एक श्लोक संख्या 30। तो नारद जी ने कहा, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेष्यात् चैद्याद्यो नृपाः संबंधयात् वृष्ण्यः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने काम भाव से, कंस ने भय से, चैद्य कहते हैं शिशुपाल आदि ने द्वेष से, वृष्णिवंशियों ने संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से, नारद जी कह रहे हैं, और हम लोगों ने भक्ति से भगवान का स्मरण किया। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 31वां श्लोक है, 7.1.31। किसी भी प्रकार से, केनाप्युपायेन, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे द्वेष हो, भगवान में मन लगाओ। यही सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी 29वें अध्याय में 15वें श्लोक में कहा, कामम क्रोधम स्नेहम भयम ऐक्यमेव च नित्यम हरौ वदतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, स्नेह से, भय से, ऐक्य से, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से अहर्निश भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान ने अवतार इसलिए लिया, 10, 29, 14, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। भगवान का प्राकट्य अवतार हुआ कल्याण के लिए, हम लोगों के। अव्यस्य अप्रमस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। जो भगवान गुणातीत है, निर्गुण माने गुणातीत, जो भगवान अव्यय है, अविनाशी है, जो भगवान अप्रमेय बुद्धि में नहीं आ सकता, समस्त गुणों की आत्मा है,
तो वो अवतार लेता है। क्यों लेता है? जिससे हम जैसे जीव जो गुणों में आबद्ध हैं, गुण के अतिरिक्त को सोच नहीं सकते हैं, गुणमयी क्रियाओं को सोच सकते हैं, गुणमय व्यापारों को सोच सकते हैं, क्यों उसका अनुभव करते हैं? भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। हर घर में बच्चे लड़ते हैं गुड़ के लिए, मीठे के लिए, मिठाई के लिए। तो भगवान ने भी कहा कि मैया मेरी, मैं नहीं माखन खायो। माखन उन्होंने खाया, ये सब लीलाएं ऐसी किया जो जीव जल्दी सोच सकता है, समझ सकता है। नहीं तो भगवान तो अप्रमेय है, बुद्धि से समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भगवान अगुण हैं, गुणातीत हैं, अलेप हैं, निर्लिप्त हैं, अमान बुद्धि से समझे नहीं जा सकते। एक रस उनकी स्थिति है। लेकिन भगवान सगुण क्यों भय? भक्तों के प्रेम के कारण से। जीव इन लीलों को, इन लीलाओं को जल्दी समझ लेता है। हर घर में बच्चे होते हैं, इस तरह से बाल लीला करता है। तो हमने इसलिए बताया कि भगवान कांता भाव से भी ग्राह्य हुआ गोपियों के लिए, क्योंकि ये समझना कठिन नहीं है। और उस कांता भाव में और सांसारिक काम में अंतर है, दिखाई पड़ता है एक जैसा, लेकिन कांता भाव ऐसा नहीं है जैसे संसार की स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम करती हैं। वो करती हैं निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, अपने इंद्रियों के सुख के लिए। गोपियों का प्रेम अपने इंद्रियों के सुख के लिए नहीं है, प्रेमास्पद कृष्ण के सुख के लिए है। कृष्ण सुख वांछा है तो प्रेम तो प्रबल। समय हो गया, कल बताएंगे।